हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना संसार। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह और हाजिर हूं एक और टेस्टी हेल्दी डिश लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं हम बनाना आज की डिश। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो ये है बीन्स, ये लोबिया भी इसको कहा जाता है। आज मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी। इस तरीके से मैं महीन चॉप कर लिया है। जितना सॉफ्ट होगा लोबिया इसकी सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। और ये आलू मैंने इस तरीके से फिंगर चिप्स के स्लाइस में कट कर लिया है। लहसुन, और मैं आज इन्हीं दो चीज़ों से बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च तो हमने लिया है लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल। और ये मैंने चॉप कर लिए हैं लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, आलू। अब मैं ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देती हूँ। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, मैंने चेक कर लिया। अब मैं ये आलू डाल करके इसमें फ्राई करूँगी। इसको बढ़िया से फ्राई करना है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए। बीन्स काफ़ी हेल्दी मानी जाती है, टेस्टी तो होती है। तो हफ्ते में एक बार अपने डाइट में बीन्स ज़रूर शामिल करें, किसी भी रूप में शामिल करें। तो ये देखिए मेरे आलू जो फ्राई हो चुके हैं अच्छे से, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो एकदम से सरल आए, और जो भी मैं बनाऊँ वो टेस्टी भी हो, साथ में हेल्दी भी हो। और मैं इस तरीके से वीडियो बनाना पसंद करती हूँ कि अगर बच्चा भी इसको बनाना चाहे तो बड़ी आसानी से बना सकता है। तो मैंने इसमें जीरा डाल दिया है 1 चम्मच। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें लगभग 2 पिंच हींग। तो मेरा जीरा ब्राउन हो चुका है, हींग भी पक चुकी है। अब मैं डाल दे रही हूँ जो चॉप किया था मैंने लहसुन प्याज वगैरह उसको, और उसे मैं भूनूंगी लगभग 2 से 3 मिनट। फ्लेम को सिम रखिए, कभी भी कोई चीज़ भूनते हुए फ्लेम को तेज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आप फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो वो सब्ज़ी वो चीज़ जल तो जाएगी, आपको नज़र आएगा कि वो पक चुकी है, लेकिन जो उसका अपना नेचुरल फ्लेवर होता है वो चला जाता है और सब्ज़ी कभी भी उतनी टेस्टी नहीं बनती। अब मैंने मसाले लिए हैं, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, और थोड़ा सा लिया है मैंने लगभग 2 चम्मच बेसन। बेसन को मैं थोड़ा सा भूनती हूँ प्याज लहसुन के साथ में ही। और अब मैं डाल दूंगी सारे मसाले। अब मैं इन्हें भूनूंगी लगभग 1 से 1.5 मिनट। अब मैं इसमें डाल दूंगी बीन्स को। बेसन से अच्छी अच्छी खुशबू आने लगी है, एकदम सौंधी सी। और मसाले भी हमारे पक चुके हैं, चलिए अब हम बीन्स डाल देते हैं। और इसे मिक्स करते हैं। ये झटपट बन जाने वाली सब्जी है, और आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, लोगों को बहुत पसंद होता है। बहुत सारे लोग बीन्स के साथ चावल खाना पसंद करते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी भी लगती है।
जिस तरह से मैं बना रही हूँ, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आप इसे ग्रेवी वाला भी रख सकते हैं और सूखा भी रख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बीन्स का जो नेचुरल कलर है ये जाएगा नहीं, एकदम ग्रीन इसी तरीके से रहेगा। तो हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ टमाटर। मैंने लगभग 2 छोटे छोटे टमाटर चॉप किए थे, स्लाइस में कट किए थे, तो मैं इसे भी मिक्स कर देती हूँ। आप देख रहे हैं सब्जी अभी से देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। और ये जितनी देखने में अच्छी लगती है खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने में अच्छी लग रही हो और खाने में ना अच्छी लगे। अब हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, जितना आपको पसंद है। अब हम नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे उलट पलट कर सब्जी को। अब हम इसे ढक देंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद में इसमें हम पानी डालेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें बनाना है इसे सूखी सब्जी, ग्रेवी वाली नहीं बनानी है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप ग्रेवी वाली बनाएं तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे पकने के लिए लगभग 4 मिनट। 4 मिनट बाद हमारी सब्जी बिल्कुल ओके हो जाएगी। 4 मिनट हो चुके हैं और आप सब्जी देख रहे हैं अच्छे से पक चुकी है और इसका वही कलर है जो मैंने सब्जी बनाते समय डाला था। और ये इतनी टेस्टी है, अच्छे से देखिए आलू छूते ही फट जा रहे हैं। तो ये बढ़िया से पक चुके हैं। फटाफट 5 से 7 मिनट में बन जाने वाली है सब्जी। आप इसे टिफ़िन में दे सकते हैं, नाइट में आप डिनर के साथ ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं। जब आपका जी चाहे तब आप इसे बनाइए और आप खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है। इसके साथ आपको सिर्फ रोटी की ज़रूरत है, चावल की ज़रूरत है, आप किसी और चीज़ की ना दाल की ज़रूरत है ना किसी और सब्ज़ी की ज़रूरत है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।